RR310 और इसमें काफी बेसिक सी मॉडिफिकेशन की गई है, जैसे कि लीवर गार्ड्स आप देख सकते हो, जो फ्रेम स्लाइडर बहुत जरूरी है क्योंकि ये पार्ट सारे आपको पता है फेयरिंग वाली बाइक्स के आते हैं, फाइबर के यानी कि प्लास्टिक के बाहर निकल रहे हैं ना, ये सेफ्टी करते हैं आपके फेयरिंग्स पर। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त लियाम आपके लिए कॉन्टेंट टॉपिक एक और नए वीडियो एंड नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, आज के सिनेरियो में कवर करने वाले हैं अपाची RR310 की मॉडिफिकेशन। और ये मॉडिफिकेशन क्या है, सबसे पहले इसमें लगाने वाले हैं फ्रेम स्लाइडर, जिसका बेसिकली यूज होता है, मान लो आपकी बाइक गिरती है या क्रैश होती है तो सेफ्टी रहती है, आपके फेयरिंग्स वगैरह पे स्क्रैचेस नहीं पड़ते, टूटते नहीं है। इसके अलावा लीवर गार्ड्स, और मान लो बाइक गिरेगी सेम इसका भी फायदा रहता है कि आपके क्लच और लीवर्स टूटते नहीं है। इसके अलावा फॉग लाइट लगाई जा रही है, छोटी मोटी एक्सेसरीज और भी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो ऐसा दोस्तों, अपने सामने है TVS अपाची RR310 और इसमें काफ़ी बेसिक सी मॉडिफिकेशन की गई है। और गाइस, लुक कुछ इस तरीके से आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि लीवर गार्ड्स आप देख सकते हो जो कि गोल्डन और ब्लैक जो है वो कार्बन फिनिश के साथ आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी डिसेंट सा लुक दे देते हैं। और लुक के साथ साथ में आपका एक काम ये भी होता है इसका कि मान लो अगर गलती से बाइक गिर जाता है तो इस साइड पर अगर गिरेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने सेफ्टी गार्ड लगा रखे हैं, आपके क्लच और लीवर्स टूटते नहीं हैं। लुक जो है वो आपके सामने है, ये देखो हैंडल बार की पोजिशन पर से कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, ये देखो, क्योंकि इसमें ये तो है ही लीवर गार्ड्स, प्लस इसके जो हैंड ग्रिप है, हैंड ग्रिप के ऊपर जो बार एंड्स होते हैं मेटल के, इसके ऊपर जो एक और बार एंड्स है, यानी कि ये है लीवर गार्ड्स के बार एंड्स, तो इसको भी नहीं हटाया गया है, इसको भी लगा दिया, यानी कि डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन। ये ले सकते हो, कलर आप बहुत सारे ले सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है, और काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर और भी अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, यहाँ पर एक तरीके के ये भी लीवर गार्ड्स आते हैं, ये ले सकते हो आप, हैंड ग्रिप भी यहाँ पर आप ले सकते हो, ये वाली है, और आप चाहो तो पूरे लीवर ही बदलवा सकते हो कुछ इस तरीके से। अगली जो मॉडिफिकेशन की गई है वो की गई है मोबाइल होल्डर मेटल के साथ, वो भी चार्जर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी कि अपना फ़ोन भी होल्ड कर सकते हो और गाइस अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पर लगा रखा है मेटल का कवर, जिसमें आपको RR का लोगो प्लस 310 और अपाची का भी यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी डिसेंट सा लुक आता है फ्रंट से, ये देख सकते हो गाइस। अगली मॉडिफिकेशन है वो है गाइस स्लाइडर, फ्रेम स्लाइडर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पार्ट सारे आपको पता है फेयरिंग वाली बाइक्स के आते हैं, फाइबर के यानी कि प्लास्टिक के। यहाँ पर क्या रहता है कि अगर मान लो इनकेस बाइक गिर भी जाता है तो ये बाहर निकल रहे हैं ना, ये सेफ्टी करते हैं आपके फेयरिंग्स पर दोनों साइड से। रेड कलर के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो आपका जो है मेन चेसी है उससे मैच होते हुए हैं, और प्लस यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है RR310 की, और साथ में लोगो देखने को मिलता है, ये देखते हो हॉर्स का। तो ये तो हो गई सेफ्टी वाली एक्सेसरीज, बाकी आप चाहो तो बहुत सारी एक्सेसरीज और भी ऐड करा सकते हो, लाइक लैमिनेशन हो गई, PPF हो गई, और गाइस सीट वगैरह मॉडिफिकेशन आप चाहो वो करा सकते हो, टेल टैडी एग्जॉस्ट, इन सब के वीडियो आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लगा रखा है एक स्विच जो कि योग में लगा रखा है, और ये है वाटरप्रूफ प्लस 2-in-1 फीचर। क्या है देखो गाइस, दिखाता हूँ। तो देखो गाइस, ये मैंने ऑन किया, अब आप देख सकते हो ये स्विच था, इसके में लगा रखी फॉग लाइट, और फॉग लाइट देखो गाइस ये येल्लो हो गई और ये हो गई वाइट। कहाँ पर लगाइए, तो वो लगाइए यहाँ पर हिडन, ये देख सकते हो, ये है मिनी ड्राइव HGG के, जो कि गाइस दिखने में तो छोटे हैं लेकिन ये हैं बहुत ही ज़्यादा हाई फोकस के साथ, ये देख सकते हो, और ये आपको वाइट मिल जाते हैं और येलो मिल जाते हैं एक ही लाइट के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको स्विच दिखाया था, तो 2-in-1 लाइट और 2-in-1 स्विच, ये देख सकते हो, और दूर से ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, ये देख सकते हो। कोहरे में, बरसातों में आप अगर येलो कलर का फोकस ऑन करके चलते हो तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, तो ये देख सकते हो गाइस। काफ़ी बेसिक सी मॉडिफिकेशन है, आई होप आपको पसंद आई होगी गाइस, ये देख सकते हो। यदि मॉडिफिकेशन अपाची RR310 की, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर शॉप पर आना चाहते हो तो दिल्ली के करोल बाग नए वाला मार्केट में आ सकते हो अपनी शॉप पर, जो कि SKD नाम से दो शॉप्स आपको मिलेंगी, तो किसी पर भी आप आ सकते हो। और अगर आपको जो है हम लोगों से मिलना है या राजू भाई से मिलना है तो आप डायरेक्ट आ सकते हो, जो मेन रोड वाली SKD शॉप है वहाँ पर आ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूँ, आप कॉल करके आ जाना। और आज की वीडियो में बस इतना ही लेता हूँ, आपसे विदा मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।